नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो अभी अभी कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार में डीजल अनुदान को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फिर से जो है बिहार में डीजल अनुदान की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है। अब आप सभी को कहां से और किस प्रकार से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, किस डेट से स्टार्ट होने जा रहा है, कहाँ से और किस प्रकार से आप सभी को अनुदान मिलेगा, कितने एकड़ ज़मीन पर कितने जो है आप सभी को अनुदान दिया जाएगा, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आप लोग अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से सरकारी योजना से जुड़ जाइए। इसके लिए नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके और बगल में बेल आइकन आएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। आप लोग कैबिनेट आने की जो है सिंचाई के लिए परेशान राज्य के किसानों को बड़ी राहत जो है यहाँ पर कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से जो है दी जा रही है। किसानों को मिलेगा 60 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है डीजल पर अनुदान। आने की जो है 60 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है सभी किसानों को डीजल पर जो है अनुदान अब दिया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों को खरीफ फसल की पटवन के लिए 60 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान देने का फैसला लिया गया है। अनियमित मानसून और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल जो है 29,95,00,000 की अग्रिम स्वीकृति जो है दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव बताया कि खरीफ फसलों के एक एकड़ पर 60 रुपये प्रति लीटर का अनुदान जो है दिया जाएगा। एक एकड़ क्षेत्र में 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। बट यहाँ पर देख सकते साफ साफ बताया गया ये जो है कैबिनेट ने जो है लगाई 9 प्रस्तावों पर मोहर। यानी कि कल जो है कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए, जैसे में यहाँ पर देख सकते 29,95,00,000 रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम मंजूर है। वही यहाँ पर 600 रुपये जो है प्रति एकड़ की दर से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान जो यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि जो है प्रति एकड़ की दर से 600 रुपये जो है एक एकड़ पर जो है आप सभी को 600 रुपये मिलेंगे। वही आपको 5 एकड़ होगा तो आपको जो है कितना आने की 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैं देख सकते हैं अधिकतम 5 एकड़ के लिए जो है अनुदान आप लोग को दिया जाएगा। ऐसे में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 600 रुपये की दर से डीजल अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 5 एकड़ खरीफ फसलों के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। यानी कि आप लोग अधिकतम 5 एकड़ का लाभ जो है आप लोग ले सकते हैं। 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग जो है 3,000 रुपये जो है अधिकतम आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि एक किसान को धान की बिचरा बचाने और जूट की फसल को 2 सिंचाई के लिए जो है 1,200 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों दलहनी तिलहनी मौसमी सब्जी औषधीय एवं सुगंधित पौधों की एक ही खेती के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए जो है 1,800 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है डीजल अनुदान दिया जाएगा। ये जो है अलग अलग फसलों के लिए जो है अलग अलग अनुदान जो यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे मैं आप सभी को मैं बताया कि यहाँ पर धान मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों जैसे में दलहनी तिलहनी मौसमी सब्जी औषधीय ऐसे इस प्रकार से जो है अगर 3 सिंचाई के लिए जो है अधिकतम 3 सिंचाई के लिए जो है 1,800 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है डीजल अनुदान दिया जाएगा। ये जो है सुखार को देखते हुए कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है ये फैसला कल की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कम बारिश का असर पिछले साल की तुलना में अब तक जो है आधी रोपनी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसका पढ़ना चाहते तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। टेलीग्राम में इसका सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर किस डेट से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, डेट जो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, बहुत जल्द जो यहाँ पर डेट को जारी किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जाएंगे। तो आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रेडी रहिए, बहुत जल्द जो है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे स्टार्ट होगा वैसे मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा।